वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। सोमवार को हुई लोकायुक्त कार्रवाई के बाद घूसखोर नगर निगम के जनकार्य विभाग के प्रभारी विजय सक्सेना ने 25 साल की सरकारी नौकरी के दौरान में आय से अधिक संपत्ति बनाई है। भ्रष्टाचार कर हासिल करने के लिए उसने अपने ऑफिस को ही एक तरह से अड्डा बना लिया था। बताया जा रहा है कि रिश्वतखोर बिना कमीशन के किसी का बिल पास ही नहीं होने देता था, इसलिए जिससे भी काली कमाई करनी होती थी उसे सक्सेना अपने ऑफिस ही बुला लेता था और महिला कर्मचारी के माध्यम से रुपए लेने के बाद उसे अलमारी में रखवा देता था। लोकायुक्त पुलिस द्वारा सक्सेना और महिला कर्मचारी हिमाली वैद्य के मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए निगम को एक पत्र लिखा जा रहा है और जल्द ही दोनों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। दरअसल रिश्वतखोर सक्सेना द्वारा रिश्वत की राशि में से महिला कर्मचारी को भी कुछ राशि दी जाती थी। लोकायुक्त को प्रारंभिक तौर पर उसकी 10 बड़ी संपत्तियों की जानकारी भी मिली है, जिसे लेकर तफ्तीश जारी है। सक्सेना की अलमारी से जो 10.68 लाख रुपए मिले हैं उसके बारे में अभी तक वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया है कि वो राशि किस मत की है। वहीं लोकायुक्त पुलिस को नज़दीकी लोगों से पता चला है कि उसने बीते सालों में कुछ ज़मीनें भी खरीदी हैं जो दूसरों के नाम पर हैं। इसके अलावा उसके पास अक्सर ज़्यादा नकदी भी रहते थे, ये रुपए वो शाम को अपने साथ घर ले जाता था। इसकी जानकारी कुछ अधिकारियों के पास भी थी। वहीं लोकायुक्त टीम को उसके कई खातों व FD के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसके बारे में बैंकों को पत्र लिखकर जानकारी जुटाई जाएगी। इसके साथ ही उसके ऑफिस से मिले दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी और उनमें ये जानकारी भी जुटाई जाएगी कि क्या पेंडिंग बिल भी कमीशनखोरी के कारण रोके गए थे। रिश्वतखोर आरोपी के द्वारकापुरी स्थित निवास पर भी छानबीन होने के साथ दस्तावेजों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उसके काले कारनामे उजागर किए जा सकें। विजय सक्सेना की नौकरी 1996 में नगर निगम में लगी थी। 25 साल की नौकरी में उसने 11 बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली। सक्सेना के बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर में 771 ग्राम सोने के जेवर यानी 28 लाख रुपए के जेवर, 3 किलो चांदी और 1.14 लाख रुपए नगद मिले हैं। 25 साल की नौकरी में उसने 11 बड़ी संपत्ति खड़ी की हैं। द्वारकापुरी में 4 मकान हैं, वहीं बिचौली मर्दाना, सिंधी कॉलोनी और सिद्धार्थनगर में 4 प्लॉट तो कृष्ण पैराडाइज बिल्डिंग में 3 फ्लैट हैं। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार पकड़ाने के बाद जब पूछताछ हुई तो सक्सेना ने बताया कि उसने साले के कार के लिए 1,45,000 रुपये अभी उसके खाते में जमा करवाए हैं, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गया। अब लोकायुक्त इसकी जांच कर रही है। DSP बघेल ने बताया कि सक्सेना की पत्नी गिरजा सक्सेना के नाम पर एक फर्म महाशक्ति एंटरप्राइजेस मिली है, जो जवाहर टेकरी में है। यहाँ पेवर ब्लॉक बनाने का काम होता है। इसकी सप्लाई कहाँ होती है इसकी जांच की जा रही है। आरोपी की पत्नी के नाम पर पहले स्टॉक वेंडर का लाइसेंस भी मिला है, लेकिन जब से ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था शुरू हुई है उसने ये काम बंद कर दिया है। वहीं इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि पूरे मामले में हम जांच के बाद सख्त कार्रवाई करेंगे। लोकायुक्त का पत्र अब तक नहीं मिला है, उनका पत्र आने के बाद जो भी दोषी निकलेगा उसे बख्शेंगे नहीं। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।